नमस्कार भाई और बहनों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं डिजिटल आई। आज का इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करेंगे एलजी का 5 स्टार डुअल इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर का, जिसका मॉडल नंबर है LSQ18SWZA। अगर आप इस समर में एक एयर कंडीशनर परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको अनबॉक्सिंग के साथ और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो ये सब कुछ और बहुत कुछ जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। ये है स्प्लिट एयर कंडीशनर का इंडोर यूनिट का बॉक्स। सबसे पहले चलिए मैं इसके ऊपर का सारे टेप को हटा देता हूँ, जिससे कि आप इसके ऊपर लिखा गया सारे चीज़ों को अच्छे से देख पाएँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसका सारे टेप को हटा चुका हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू 2020 सीरीज लिखा गया है। ये एक 2020 का मॉडल है और ये एयर कंडीशनर डुअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पर काम करता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बॉक्स के नीचे स्प्लिट टाइप और इंडोर यूनिट क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। तो अभी चलिए इसका एनर्जी लेवल के ऊपर एक नज़र डालते हैं। ये एक 5 स्टार एयर कंडीशनर है। जितना ज़्यादा स्टार उतना ही ज़्यादा आपका पावर सेविंग, लेकिन स्टार रेटिंग बढ़ने के साथ ही प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ने लगता है। इस प्रोडक्ट का आइसर रेटिंग आप देख सकते हैं 4.73 है। आइसर मतलब इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। ये नंबर जितना बड़ा होगा आपका प्रोडक्ट का एफिशिएंसी उतना ही ज़्यादा होगा। और आप उसके नीचे देख सकते हैं इसका लेबल पीरियड 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2020 तक है। और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का और भी कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ब्रांड, प्रोडक्ट का मॉडल नंबर, ईयर। और आप देख सकते हैं इसका कूलिंग कैपेसिटी 100% पे 5100 है, मतलब ये एक 1.5 टन का एयर कंडीशनर है। अगर आप इस यूनिट को साल में 1600 घंटे के लिए यूज़ करेंगे, तब उस केस में आपका इस यूनिट का पावर कंजप्शन आएगा 835.5 यूनिट्स पर ईयर। और आप देख सकते हैं इसका कंप्रेसर टाइप को वेरिएबल स्पीड मेंशन किया गया है, क्योंकि ये एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर है। और अगर बाकी का डिटेल्स को आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस प्रोडक्ट का लेबल के ऊपर एक नज़र डालते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रोडक्ट का मॉडल नंबर को मेंशन कर दिया गया है। और खुशी का बात यह है क्योंकि इस प्रोडक्ट को हमारे भारत में ही बनाया गया है। और आप यहाँ पर और भी कुछ डिटेल्स देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 स्टार भी मेंशन कर दिया गया है। और इस इंडोर यूनिट का प्रोडक्शन मॉडल नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आप यहाँ पर राइट साइड पर देखिए, इसका इनपुट वाटेज है 1440 वाट, मतलब ये यूनिट आपका मैक्सिमम 1440 वाट का पावर कंजप्शन करेगा। और इसका कूलिंग कैपेसिटी 5100 वाट है, जो कि है इसका आउटपुट वाटेज। और आप यहां पर इस इंडोर यूनिट का एमआरपी देख सकते हैं। मैं इस प्रोडक्ट को परचेज किया हूं 45,490 रुपीज़ में। और इस प्रोडक्ट का बेस्ट बाय लिंक आपको हमेशा की तरह वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर और भी प्रोडक्ट का कुछ डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो ये आ गया है मेरा मैजिक नाइफ, तो जल्दी से चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। एलजी ने यहाँ पर प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से पैकिंग किया है, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन में प्रोडक्ट को कोई भी डैमेज ना हो। और बॉक्स के ऊपर आप देख सकते हैं बहुत सारे इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है। तो ये हमारा बॉक्स खुल गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ एसेसरीज मिल जाएगा, इन सबको हम लोग बाद में अच्छी तरीके से देखेंगे। तो चलिए इसको हम लोग साइड कर देते हैं। और आप देख सकते हैं ये है प्रोडक्ट का रिमोट। तो सबसे पहले चलिए दोनों साइड से ये थर्मोकोल को हम लोग निकाल देते हैं। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं एक प्लास्टिक से इसको रैप किया गया है। और यहाँ पर नीचे भी आप देख सकते हैं एक स्पॉन्ज दिया गया है। आप यहां पर लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं इस प्रोडक्ट का कंप्रेसर के ऊपर आपको 10 साल का वारंटी मिलेगा।
सेंटर पे एलजी का लोगो मिलेगा और यहाँ पर एक सिल्वर कलर का लाइनिंग दिया गया है जो इसका लुक को और भी एनहांस करता है। और राइट साइड पे आप देख सकते हैं डुअल इन्वर्टर लिखा गया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड में स्मार्ट थिंक यू एंड स्मार्ट डायग्नोसिस का लोगो बना हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रोडक्ट का कुछ फीचर्स को हाईलाइट कर दिया गया है, जैसे कि फास्टर कूलिंग एंड क्वाइटर देन ए विस्पर। और आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है सेव मनी सेव एवरी डे विथ डुअल इन्वर्टर कंप्रेसर, और इसका कंप्रेसर के ऊपर आपको मिलेगा 10 साल का वारंटी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक क्विक रेफरेंस गाइड दिया गया है, चलिए इसको भी मैं आपको थोड़ा करीब से दिखा देता हूँ। और आप यहाँ ऊपर रिमोट सेटिंग्स एंड फीचर्स के बारे में कुछ गाइडलाइंस देख सकते हैं, साथ ही प्रोडक्ट का फिल्टर क्लीनिंग ट्रबल शूटिंग एंड सेफ्टी के बारे में आपको यहाँ पर कुछ जानकारी दिया गया है। और बैक साइड पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट का इंडोर और आउटडोर यूनिट का लोकेशन के बारे में आपको कुछ जानकारी दिया गया है, और इस प्रोडक्ट में आपको कितना एम्पियर का एमसीबी और स्टेबिलाइजर यूज़ करना है उसका भी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर और भी बहुत सारे इंस्टॉलेशन का गाइडलाइंस दिया गया है, अगर आप इन सबको पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप वीडियो को पॉज करके इन सबको पढ़ सकते हैं। तो जल्दी से चलिए हम इस प्रोडक्ट का सारे प्लास्टिक को रिमूव कर देते हैं और इसका वर्टिकल स्विंग को ओपन करते ही आपको इसका राइट साइड में इस प्रोडक्ट का पावर बटन देखने को मिल जाएगा, जिसका उपयोग करके आप इस प्रोडक्ट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और आप यहां राइट साइड में इस प्रोडक्ट का वर्टिकल स्विंग का मैकेनिज्म को देख सकते हैं। मैं आपको सेंटर से भी इसका वर्टिकल स्विंग का मैकेनिज्म को दिखा दे रहा हूं। एक चीज मैं कहूंगा, इस प्रोडक्ट का बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। बिल्ड क्वालिटी में एलजी ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और आप अंदर इसका ब्लोअर को देख सकते हैं, मैं इसे हाथ से घुमा रहा हूँ, शायद आप देख पा रहे होंगे। और आप यहाँ पर इसका हॉरिजॉन्टल स्विंग को देख सकते हैं। इस एयर कंडीशनर में आपको फोर वे स्विंग का फीचर देखने को मिलेगा। तो चलिए एक काम करते हैं, मैं इसका वर्टिकल स्विंग को निकाल देता हूँ, जिससे कि आप इसका ब्लोअर को अच्छे से देख पाए। आप ये जो आर्म देख रहे हैं इसको आप पुल करके आप इसका वर्टिकल स्विंग को अलग कर सकते हैं। देखिए मैं इसका वर्टिकल स्विंग को निकाल दिया हूँ और आप अभी देख सकते हैं इसका हॉरिजॉन्टल स्विंग और इसका ब्लोअर, ये दोनों अच्छी तरीके से रोटेट कर रहा है। ये है इस एयर कंडीशनर का डस्ट फिल्टर। एलजी ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा यूनिक डिजाइन बनाया है। पहले डस्ट फिल्टर को क्लीन करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता था, लेकिन इस डिजाइन की वजह से आज डस्ट फिल्टर को क्लीन करना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। मैं आपको इस डस्ट फिल्टर को थोड़ा करीब से दिखा दे रहा हूँ। और एक चीज मैं यहाँ पर फिर से कहूंगा, इस डस्ट फिल्टर का भी क्वालिटी बहुत ही बेहतर है। क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं इस डस्ट फिल्टर का डिजाइन और आप यहाँ पर इस डस्ट फिल्टर का लॉकिंग मैकेनिज्म को देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हुक टाइप का बना हुआ है, ये भी देख लीजिए। और आप यहाँ पर इस एयर कंडीशनर का एवेपोरेटर कॉइल को देख रहे हैं और आप देख सकते हैं एवेपोरेटर कॉइल के ऊपर कूलिंग फिन्स भी लगाया गया है फॉर बेटर कूलिंग। चलिए मैं आपको इसको थोड़ा घुमा कर भी दिखा देता हूँ। और आप यहाँ कॉर्नर पे देख सकते हैं कॉपर ट्यूब का यूज किया गया है। तो चलिए अभी इसका डस्ट फिल्टर को फिर से हम लोग लगा देते हैं। लगाना बहुत ही आसान है, जस्ट आपको इसको नीचे फंसाना है और इसको प्रेस कर देना है और आपका डस्ट फिल्टर लग गया। और आप यहाँ पर इस एयर कंडीशनर का बैक साइड को देख रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका माउंटिंग प्लेट को यहाँ पर लॉक करके दिया गया है। तो चलिए पहले स्क्रू को हम लोग अनस्क्रू कर देते हैं और आप देख सकते हैं इसका माउंटिंग प्लेट बहुत ही आसानी से बाहर आ गया। तो चलिए मैं इसको भी आपको थोड़ा करीब से दिखा देता हूँ। देखिए ये है ए टाइप चेसिस। एलजी में मेनली तीन टाइप का चेसिस आता है, ए टाइप बी टाइप एंड सी टाइप। यहाँ पर आपको ए टाइप चेसिस का जो डायमेंशन दिया गया है उसी के हिसाब से आपको होल्स करना है। आप इस प्लेट में क्लियरली देख सकते हैं आपको लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम में कितना मार्जिन छोड़ना है, वो आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका एवेपोरेटर कॉइल से दो कॉपर का ट्यूब आया हुआ है और दोनों का ही ओपनिंग को सील करके रखा गया है ताकि इसमें मॉइस्चर और डस्ट इसका एवेपोरेटर कॉइल में ना जा पाए। और आप देख सकते हैं ये है इसका ड्रेन पाइप और इस एवेपोरेटर कॉइल से आया हुआ पाइप्स को अच्छी क्वालिटी का इंसुलेटिंग मटेरियल से रैप किया गया है।
जैसे कि आप देख सकते हैं इसका ड्रेन पाइप को राइट साइड से निकाला गया है। अगर आपको इस ड्रेन पाइप को लेफ्ट साइड में कनेक्ट करना है तब आपको इस प्लग को निकाल के इस ड्रेन पाइप को यहाँ पर अटैच कर देना होगा। आप यहाँ पर ये जो पतला वाला पाइप देख रहे हैं ये है आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट के लिए, और ये मोटा वाला पाइप आपका गैस के लिए है। और ये तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, ये है आपका ड्रेन होस जो कि आपका बाय डिफॉल्ट राइट साइड से कनेक्टेड है। और आप देख सकते हैं ये है इस एयर कंडीशनर का इंडोर यूनिट का पावर सप्लाई। आपको यहाँ पर प्लग टब नहीं दिया गया है जो कि आपको सेपरेटली परचेज करना होगा। और आप यहाँ पर इस पावर केबल का स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं जो कि है 3 कोर 1.5 स्क्वायर mm। तो अगर आप अपने एयर कंडीशनर के लिए सेपरेट वायरिंग कर रहे हैं तो जो मिनिमम आपको वायर यूज करना है वो 1.5 स्क्वायर mm या उससे ऊपर का होना चाहिए। तो चलिए मैं अभी आपको इसका नीचे का पैनल को निकाल के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप इसका वर्टिकल पैनल को बाहर की ओर खींच लीजिए, और उसके बाद कुछ इस प्रकार से खींच के आप इसका नीचे का पैनल को आसानी से निकाल सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं पैनल का अंदर साइड पे आपको यहाँ पर एक डायग्राम भी दिया गया है, और आप देख सकते हैं ये पैनल राइट साइड में किस प्रकार से लॉक है। तो इसको निकालना भी बहुत आसान है, जस्ट इसको आपको सीधा करके ऊपर की ओर खींच लेना है और आपका पैनल आसानी से अलग हो जाएगा। एलजी ने यहाँ पर और एक इनोवेटिव डिजाइन बनाया है। मशीन को इंस्टॉलेशन करते वक्त आप इस क्लैंप को बाहर की ओर पुल करके इन दोनों पाइप्स को बाहर कर सकते हैं, साथ ही मशीन को कुछ देर के लिए इस प्रकार से लिफ्ट भी करके रख सकते हैं। यह है इसका इंडोर यूनिट का राइट साइड। आप यहाँ पर इसका स्पीकर ग्रिल को क्लियरली देख सकते हैं, और अगर आप इसका पाइप्स को राइट साइड से निकालना चाहते हैं उसका भी प्रोविजन आपको यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर आपको एनर्जी लेवल के साथ प्रोडक्ट का कुछ डिटेल स्पेसिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रोडक्ट का रेटेड करंट को 6.6 एम्पियर मेंशन किया गया है। और इस एयर कंडीशनर में R32 इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट यूज किया गया है, और रेफ्रिजरेंट का वेट 0.950 kg है, और उसका हाई प्रेशर और लो प्रेशर को यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। बाकी का डिटेल्स के लिए आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके पढ़ सकते हैं। पाइप्स को निकालने के लिए आपको लेफ्ट साइड में भी प्रोविजन दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं इस एयर कंडीशनर के साथ आपको क्या क्या एसेसरीज मिलेगा। सबसे पहले मैं इन सभी चीजों को बाहर निकाल देता हूँ, उसके बाद इन सभी चीजों को मैं आपको बारीकी से दिखा दूंगा। इसमें आपको मिल जाएगा एयर कंडीशनर का ओनर्स मैनुअल और इंस्टॉलेशन मैनुअल, और आपको मिल जाएगा इंडोर यूनिट से आउटडोर यूनिट को कनेक्ट करने के लिए केबल। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जैक सिस्टम दिया गया है, ये जो सिंगल वाला तार है ये आपका सिग्नल केबल है, और बाकी तीनों आपका पावर केबल है। और आप देख सकते हैं इस केबल का यहाँ पर स्पेसिफिकेशन भी दिया गया है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं केबल लॉक भी लगा के दिया गया है। केबल का क्वालिटी बहुत ही बेहतर है। पैकेट के अंदर ड्रेसिंग करने के लिए आपको कुछ केबल टाई मिल जाएगा, और आपको पीवीसी विनाइल टेप भी मिल जाएगा। देखिए जो इंजीनियर आपके घर एयर कंडीशनर इंस्टॉलेशन करने के लिए आते हैं वो आपसे इसी पीवीसी विनाइल टेप के लिए 300 से 400 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, लेकिन आपको उन्हें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है क्योंकि ये पीवीसी विनाइल टेप ऑलरेडी पैकेट के अंदर ही अवेलेबल है। पैकेट के अंदर आपको 2 AAA का बैटरी रिमोट के लिए मिल जाएगा, साथ ही आपको माउंटिंग प्लेट के लिए 7 वुडन स्क्रू भी मिल जाएगा, और एयर कंडीशनर को माउंटिंग प्लेट के साथ कसने के लिए आपको यहाँ पर 4 स्क्रूज भी मिल जाएगा। केबल को लॉक करने के लिए आपको यहाँ पर राइट साइड पे एक क्लिप भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.5 और 2.5 स्क्वायर एमएम लिख दिया गया है। तो चलिए मैं अभी आपको इंडोर से आउटडोर यूनिट का जो केबल है उसको अटैच करके दिखा देता हूँ। देखिये सबसे पहले मैंने सिग्नल वायर को लगा दिया, उसके बाद मैंने पावर केबल को क्लिप कर दिया, बहुत ही आसान। उसके बाद आप इसके ऊपर का जो क्लिप है उसको लगा के यहाँ पर टाइट कर दीजिए, जिससे कि खींचने से भी ये यहाँ से नहीं निकलेगा। और ये है इस एयर कंडीशनर का रिमोट जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है। इस रिमोट के साथ आपको इस रिमोट को रखने के लिए एक रिमोट होल्डर भी मिल जाएगा, और आप इस रिमोट को कुछ इस प्रकार से इस होल्डर में डाल सकते हैं। तो चलिए रिमोट को थोड़ा करीब से देख लेते हैं।
अगर आपको इस रिमोट के बारे में ज्यादा जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको रिमोट को थोड़ा करीब से दिखा देता हूँ, ये रिमोट आपको कैसे दिखता है। ये रिमोट व्हाइट कलर में आता है और बहुत ही सुंदर दिखता है। और देख लीजिए इसका साइड प्रोफाइल, टॉप में आप देख सकते हैं आपका हीट सेंसर के लिए होल भी दिया गया था। तो चलिए इस रिमोट में अभी बैटरी डाल देते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ डिस्प्ले में आपको क्या क्या फंक्शन देखने को मिलेगा। तो मैंने बैटरी डाल दिया, तो कवर लगा लेते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं ओनली आपको टाइम एंड बैटरी का लेवल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। इसको हमें सेट करना होगा, जिसको कि हम कोई और एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी बारी आ गया है इसका आउटडोर यूनिट को अनबॉक्स करने का, तो जल्दी से चलिए इसको अनबॉक्स कर देते हैं। इंडोर यूनिट से आउटडोर यूनिट को कनेक्ट करने के लिए आपको जो कॉपर का पाइप चाहिए वो आपको इसी पैकेट के अंदर ही मिल जाता है। और आप देख सकते हैं कॉपर पाइप्स को दोनों ही एंड से अच्छी तरीके से सील करके दिया गया है और ऊपर से अच्छी तरीके से इंसुलेट भी कर दिया गया है। और आप यहां पर आउटडोर यूनिट का स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं, ये सेम स्पेसिफिकेशन आपका इंडोर यूनिट में भी लिखा गया था। और आपको आउटडोर यूनिट में कुछ वार्निंग्स दिया गया है, अगर आपको पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। और एलजी ने यहाँ पर अपने सर्विस बल्ब को अच्छी तरीके से एक कवर से प्रोटेक्ट करके रखा है। आपको सिर्फ इस कवर को नीचे की ओर प्रेस करना है और ये कवर निकल जाएगा। और कवर में भी कुछ लिखा गया है, अगर आपको पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं अभी आपको आउटडोर यूनिट को खोल के दिखा देता हूँ, इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है इसी प्रकार का और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के लिए बनाने के लिए। तो ये हमारा खुल गया है और आप देख सकते हैं इसका अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। और इसमें आप देख सकते हैं आपको एक वायरिंग डायग्राम भी दिया गया है। और यह है उसका कंडेंसर यूनिट को कूल करने के लिए BLDC मोटर। और आप देख सकते हैं कंडेंसर यूनिट में भी आपका कॉपर कॉयल यूज किया गया है, साथ ही ओसेन ब्लॉक का प्रोटेक्शन इसका कूलिंग फिन्स और कॉपर ट्यूब्स के ऊपर दिया गया है फॉर लॉन्ग लाइफ। साथ ही आप राइट साइड में इस कंडेंसर यूनिट का कॉपर पाइप्स को देख सकते हैं। तो चलिए अभी इसका कवर को हम जल्दी से लगा लेते हैं। और यह है इसका आउटडोर यूनिट का कंडेंसर कॉयल और आप देख सकते हैं कंडेंसर कॉयल के ऊपर एक टेम्परेचर सेंसर दिया गया है फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट। और कंडेंसर कॉयल के ऊपर ओसेन ब्लैक्स का कोटिंग भी दिया गया है फॉर लॉन्ग लाइफ। इस आउटडोर यूनिट के साथ आपको 4 रबर फिट्स भी मिलेगा। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब इंजीनियर आपके घर इसको इंस्टॉलेशन करने के लिए आए, इस रबर फिट को वो जरूर इंस्टॉल करे, नहीं तो आपका आउटडोर यूनिट में वाइब्रेशन हो सकता है। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपके सारे सवालों का जवाब देने का पूरी तरह से कोशिश करूंगा। और फ्यूचर में ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे डिजिटल लाइफ चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।